राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम इंडिया के सभी टेक्नीशियन भाइयों को जो YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। ये वीडियो होने जा रही है एक्स टूल के कुछ नए जो डिवाइस आ चुके हैं उनके बारे में और जो आने वाले हैं उनके बारे में। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे जो पर्सनली लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूछे हैं, तो मैं इस वीडियो के थ्रू उनके आंसर दूंगा। वीडियो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर की होगी पर काफी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डिवाइस जो आ रहे हैं पहले उनसे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर्स, और डिवाइस न्यू आए हैं क्या वजह है, पुराने की क्या सीन है, इन सभी के बारे में छोटी छोटी जानकारी देंगे। ये एक नॉन वर्किंग वीडियो है जो एक डिवाइस की डिस्प्ले के ऊपर है। मैं कोई भी डिवाइस के ऊपर ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर ये सामान आया है, ये है वो है, मोटी मोटी जानकारी दूंगा, क्योंकि जब भी कोई डिवाइस आता है लोगों को पता लग जाता है। आज तो सभी लोग समझदार हैं कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ को चेक करते हो तो उसकी सारी डिमेंशन वहाँ पर दी होती है, पर मैं आपको मोटी मोटी चीज़ बताऊंगा अभी क्या क्या मार्केट में आ चुका है। मैं प्रोग्रामिंग बेस के किसी भी प्रोग्रामर पर नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्ट स्कैनिंग बेस के टूल पर आ रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग बेस के टूल्स हैं वो हम किसी और वीडियो में कैप्चर करेंगे। फिलहाल हम अभी आज जो बात करें वो करें स्कैनर प्लस प्रोग्रामर के ऊपर में, जो बहुत जिनको जरूरत होती है, जिन्होंने स्कैनिंग भी करनी है प्रोग्रामिंग भी करनी है। हमारा एक डिवाइस जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है वो है XT90, ये 90 सीरीज है। उसके बाद एक डिवाइस लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं S6 Pro 3। क्यों आया है, किस वजह के साथ आया है, क्या अलग फंक्शन के साथ आया है और क्या वजह थी इसको लाने की, ये वीडियो उस टॉपिक के बारे में होने जा रही है। डिवाइस की जो शक्ल है, क्या उसके अंदर है, मतलब वो ज़्यादा आपको इस वीडियो से इतनी बढ़िया मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि जब आदमी उसको खोलता है सभी का अपना अपना नज़रिया होता है डिवाइस को चेक करने का। मैं आपको एक मिड सेक्शन की चीज़ बता रहा हूँ कि क्या हिसाब से और कैसे मार्केट में एक्सटूल के डिवाइस चल रहे थे। आज से एक महीना पहले एक्सटूल में 4 स्कैनर प्लस प्रोग्रामर आते थे, स्कैनर ही मैं बोलूँगा, प्रोग्रामिंग का फंक्शन उसमें एडिशनल ऐड किया गया था। क्या क्या था उसमें, सबसे पहले PS70, उसको बदल के बाद में XT70 आ गया था, उसके बाद अपना S6 Elite, उसके बाद अपना S6 Pro, उसके बाद अपना D9 HD। D9 HD के अंदर आपका ट्रक का काम भी होता था और गाड़ियों की स्कैनिंग भी होती थी दोनों का। उसके बाद कंपनी ने S6 Pro 2 की जगह पे S6 Pro 3 लॉन्च कर दिया है। क्या फर्क दिया है, क्या टैबलेट में चेंजेस किए गए हैं, ये आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। अभी इसके सामान जो भी है वो इतना मायने नहीं रखता, मायने रखती है कि टैबलेट के अंदर क्या फर्क आया, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या फर्क आया और हार्डवेयर के अंदर क्या फर्क आया। उसी के साथ ही अपना दूसरा टूल XT सीरीज का दूसरा टूल XT90 जो 70 के बाद आया है। इसके बाद और भी टूल आने वाले हैं, वो ऑफिशियल अनाउंस करेंगे एक्सटूल इंडिया चैनल पे जो भी वीडियो उनकी ऑफिशियली रिलीज होगी। जो मार्केट में आ चुका है मैं उसके बारे में एक वीडियो आपको अपने हिसाब से शो कर रहा हूं, जो मेरे यूट्यूब के माध्यम से मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं। पहले हम बात करेंगे S6 XT90 की। S6 Elite के बाद अपना ये डिवाइस आया था, ये S6 Elite की जगह पे नहीं है, ये उससे थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस कैसे है पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। इसके अंदर कंपनी ने ऑनलाइन वर्क दिया है साथ में, जिस बंदे ने BM, Mercedes या किसी भी ब्रांड के अंदर जो जो काम एक्चुअल सपोर्ट करता है वो काम इसके अंदर दिए गए हैं। सेम S6 Pro के जैसे इसके अंदर उन्होंने VCA दिया है जो अच्छा सपोर्टेबिलिटी के साथ है, अच्छी जो इसके अंदर जो गाड़ी की आउटपुट निकलती है वोल्टेज की उसको सहने की अच्छी शक्ति है इसके अंदर। लोग कंपनी इसको जो बताती है ऑफिशियली वो 36 वोल्ट तक बताती है, मतलब नॉर्मल अगर हम गाड़ियों का काम करेंगे तो 12 से 15 ऐसा कुछ वोल्टेज होती है, इससे ज़्यादा तो आती नहीं है। कि चलती गाड़ी में 14-15 हो जाती है वोल्टेज,
और बंद गाड़ी पे 12 से कम कम ही रहती है। तो ये 36 वोल्ट तक इन्होंने हार्डवेयर दिया है इसका, और इन्होंने इसकी डिवाइस की टैबलेट बहुत शानदार कर दी है। जैसे आप पहले देखते थे क्रीम, जब आप पहले देखते थे तो एसिक्स लाइट की टैबलेट थोड़ी सी इससे अलग थी, अभी इन्होंने टैबलेट भी थोड़ी सी चेंज कर दी है और पीछे एक बहुत अच्छा स्टैंड दे दिया है, ठीक है जी। और इसके अंदर इन्होंने बढ़िया से एसेसरी अपने हिसाब से दी है, जो जो काम मैकेनिक लोगों को पड़ सकता था वो एसेसरी दी है, और साथ में इन्होंने डिवाइस के पीछे भी लिखा गया है, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप इधर ध्यान से आओगे तो ये देखिए आप, इंक्लूड इंडोस्कोप। ये इंडोस्कोप जो मार्केट में अलग से चलता था, जो किसी डिवाइस के साथ आफ्टर मार्केट लोग बेचते थे, वो इसके अंदर एडिशनली दे दिया गया है। मतलब आप इस डिवाइस को एसिक्स लाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, ये उससे ऊपर का डिवाइस है। ऊपर का डिवाइस अपने आप में कि जब इसमें स्कैनिंग आ गई, प्रोग्रामिंग आ गई, 3 साल का अपडेट आ गया, उसके बाद इसके अंदर ऑनलाइन वर्क भी लगे, क्योंकि एसिक्स लाइट जो पहले चलता था उसके अंदर ऑनलाइन वर्क नहीं आता था। मैं ऑनलाइन वर्क इन द सेंस ऑफ कभी अपने BMW का कोई पार्ट ऑनलाइन कोड कर लें सर्वर के साथ, मर्सिडीज को ऑनलाइन कोड कर लें सर्वर के साथ, वो काम नहीं एसिक्स लाइट करता था। वो ऊपर का उसका जो वर्जन आता था एसिक्स प्रो वही करता था। जो इन्होंने XT90 सीरीज निकाली ये ऑनलाइन वर्क के साथ चलती है। इसके बाद मैं ये नहीं बताऊंगा इसके अंदर कितने अडेप्टर है क्या चीज़ है, भाई ये मेन चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए। अगर XT90 मार्केट में आया है, एक तो ये VCI बेसिस पे है, ब्लूटूथ बेसिस पे है, इन्होंने इंडोस्कोप कंपनी ने साथ में ही दे दिया है और इस ऑनलाइन चीज़ों को सपोर्ट करी है। ये XT90 की मोटी मोटी जानकारी है, और बहुत ही एक शानदार डिवाइस मार्केट में आने वाला है। वो एक्सपोर्ट इंडिया के पेज पे ऑफिशियली अनाउंस जल्दी हो जाएगा, जो भी वो देंगे, चाहे वो 15 दिन में आ जाए चाहे 6 महीने में आ जाए। पर उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आने क्यों जरूरी होते हैं। दूसरा डिवाइस आ गया अपना एसिक्स प्रो 3। थोड़ा जैसे जिन जिन लोगों के पास एसिक्स प्रो था पहले, ठीक है जी, इन्होंने प्रो 3 के अंदर डिवाइस की जो टैबलेट भी बड़ी कर दी है, स्टैंड भी बिल्कुल अलग से लगा दिया है, पहले स्टैंड अलग आता था अभी इन्होंने चेंज कर दिया है ये, और सेम वैसे ही इन्होंने जैसे पहले एसिक्स प्रो आता था अपना VCI के साथ, वैसे ये भी ब्लूटूथ के साथ ही रहेगा, इसमें इन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं कुछ भी। तो एक चीज इन्होंने बढ़िया दे दी है और वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इस डिवाइस के अंदर आपको चार्जिंग डॉक भी मिलेगा। चार्जिंग डॉक का मतलब है जो इसको लगे आप एसिक्स प्रो 3 लोगे तो आपको एडिशनल से चार्जिंग डॉक लेने की जरूरत नहीं है, वो इस बॉक्स के साथ ही आपको मिलेगा फ्री में, क्योंकि ये कंपनी ने इस डिवाइस के अंदर ही दिया है। चार्जिंग डॉक जिनको नहीं पता वो मैं समझाने जा रहा हूँ कि ये वो एक डिवाइस है, आपका डिवाइस आप खड़े खड़े इस पोर्शन के हिसाब से करीब आप डिवाइस को ऐसे भी चार्ज कर सकते हो लगे। इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है ऑनलाइन कोडिंग की या जो भी है, और काफ़ी कंपनी ने इस बार इसके सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस किए हैं, और जो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस किए हैं वो आने वाली वीडियोस में कोई भी भाई ट्राई करेगा तो उसको पता लग जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी इन्होंने सारी की सारी जो नई सीरीज है वो USB निकाल कर सी पोर्ट पे शिफ्ट कर दी है, जितने भी एक्सपो के नए डिवाइस आ रहे हैं। ये है मोटी मोटी जानकारी ये दो टूलों के बारे में, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस मार्केट में है। इसके बाद 2 डिवाइस और आ जाएं, 3 और आ जाएं। अभी कुछ क्वेश्चन के आंसर कि जैसे मेरे पास ये 2 डिवाइस नहीं आए, मैंने इसका कि डिस्प्ले वीडियो बना दिया कि डिवाइस क्यों आ गए। शायद जो आदमी अपने से पुराने जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि एक्सपोर्ट के अंदर एक रूल है, ये डिवाइस को 4 से 5 साल ही चलाते हैं, कोई भी डिवाइस हो उसकी जो मुनियाद है उसके बाद उसको ये मतलब चेंज कर देते हैं, उसका ही अपग्रेड वर्जन ले आते हैं, जिसको हम फेसलिफ्ट बोल सकते हैं अपनी भाषा में। जैसे एसिक्स प्रो 2 था पहले, अभी भी 2 आता है, पर इन्होंने 3 भी उसी रेंज में निकाला है। ऐसे नहीं है कि 3
इन्होंने महंगा निकाला है, वो जो वन है टू है या थ्री है कोई भी आप एसिस प्रो लगा लीजिए, उसके अंदर अपडेट नहीं बंद हुआ ना ही वो बंद होगा। जिन लोगों ने 2020 में एसिस प्रो लिया था या 2021 में लिया था वो आज भी अपडेट करा सकते हैं, वो कल भी अपडेट करवा सकते हैं, क्योंकि कंपनी वाले कभी भी अपने पुराने टूल को छोड़ते नहीं। एक बात आप मेरी ध्यान से नोट रखना, मैं दोबारा क्लियर बोल रहा हूँ कि अगर कंपनी वालों ने कोई भी टूल नया निकाला है, कुछ लोगों का मैसेज आता है कॉमेंट्स में कि सर अब अभी हमारा पुराने डिवाइस का क्या होगा, पुराने डिवाइस वहाँ भी चलता रहेगा जैसे चल रहा है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसको अपडेट करवाओ या अपडेट ना करवाओ, क्योंकि कंपनी वालों ने जो नया सर्वर है वो किसी हिसाब से बना दिया है। कुछ आपको पता है कि वो बात दोबारा करनी नहीं चाहिए कि मार्केट में कुछ नॉन मतलब शुद्ध हिंदी में बता दूँ तो कुछ ऐसे मिसयूज होते हैं गाड़ियों के जो नहीं होने चाहिए, इसलिए कंपनी अपने आप को बहुत सतर्क रख रही है आजकल। तो इसी हिसाब से उन्होंने सॉफ्टवेयर और इसके सर्वर को डेवलप कर दिया कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही यूज़ करने वाले को और ना ही बेचने वाले को, बेचने वाले डीलर लोग और यूज़ करने वाले आप जैसे जो टेक्नीशियन लोग हैं। जो लोग PSMD यूज़ कर रहे हैं, 2020 में ये लॉन्च हुआ था, 20, 21, 22, 23, 24 आज ये 5 साल में सबसे 4 या 5 साल हो चुके हैं, अभी भी वो डिवाइस के अंदर अपडेट आ रहे हैं और अपडेट लोग ले रहे हैं, कोई भी वो डिवाइस को छोड़ लिया उसके बाद चाहे XC70 आ गया, उसके बाद चाहे कोई भी डिवाइस आ गया, ठीक है जी। आप पैड लाइट की बात कर लीजिए, अभी पैड लाइट को बंद करके पैड लाइट 2 आ चुका है, पैड लाइट 2019-20 में आ गया था मार्केट में 20 में, आज भी उसको भी 4 से 5 साल हो चुके हैं, उसके अपडेट भी आज भी आ रहे हैं, उसका अपडेट कोई लेना चाहे उसको भी मिल रहे हैं। कोई भी पुराना डिवाइस ऐसे नहीं है कि अगर आपने लिया है तो आपको दिक्कत आएगी, आप उसको बंद करोगे। फिर दूसरी चीज कि नए डिवाइस आने क्यों जरूरी है, इंडिया में ये चीज नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइज ही चलती है। अगर कोई भी कंपनी किसी नए टूल को लॉन्च करती है या डेवलप करती है, आपको मैं हकीकत में ये चीज बताऊं, शायद ये ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कितनी बतानी जरूरी है मुझे नहीं पता, पर अगर मैं आपसे शेयर करूं, ये जो भी टूल है ये चाइना में या कुछ अच्छी कंट्रीज में बहुत पहले से ही लॉन्च हो जाते हैं, हम उसको इंडिया में लाते लाते उसको टेस्ट करते करते कि इंडिया के हिसाब से कैपेबल है, इंडिया के हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि कोई हमारे भाई को दिक्कत आए, वो तब भी उसी हिसाब से लाते हैं कि कोई आदमी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। करीब क्यों अभी आप ये देखिए ध्यान से, ये XC90 है, 70 अलग चीज़ है, 90 अलग चीज़ है, जो इसकी एक्सेसरी है, जो इसका ऑनलाइन वर्क है, जो इसका ऑनलाइन वर्क है वो इसी के हिसाब से है। इसकी जो खासियत है वो छोटे टूल में नहीं आ सकती, इसकी जो इसमें जो कमी है या इसमें जो भी इसके अंदर है वो सबको डिस्प्ले होगा। सपोज कीजिए जो एसिस प्रो 3 के अंदर फंक्शन है वो इसके अंदर नहीं है, जो इसके अंदर फंक्शन है वो XC70 में नहीं है, इजी भाषा में यही बता सकता हूँ आपको मैं। और अगर किसी भी डिवाइस में जैसे XC70 में इसमें या इसमें मिनिमम आप 50,000 का फर्क लगा के चले, अगर वो 70 का है ये उससे डबल का है ये उससे भी डबल का है, तो कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है कि जो ये वाला काम ये भी कर देगा। अभी कंपनी ने ये चीज़ बताई है कि इसके अंदर सारे ऑनलाइन काम होंगे, ठीक है, पर इसके अंदर कुछ तो ऐसा खासियत होगी ना जो इसमें नहीं होगी, ये चीज़ें। कोई भी भाई का कॉमेंट ऐसे आए कि हमारे टूर में दिक्कत आ रही है जो कुछ आ रही है, तो काइंडली आप अपने डीलर से जरूर संपर्क करें इस बारे में कि जब आप अपने डीलर से कोई टूल लेते हो तो जब वो पैसे लेने का हकदार है वो आपको बताने का भी हकदार है कि क्या दिक्कत आई है, किस हिसाब से ये सॉल्व होगी या जो भी चीज़ है। अभी दूसरी और लास्ट चीज़ अगर आपको मैं अभी बताऊँ, डिवाइस का कोई कंपेरिजन है, ये बातों में नहीं होता, ये काम करके पता लगता है। इलाइट के अंदर जो खासियत थी वो इलाइट चलाने वाले समझ सकते हैं, इलाइट के बाद जो नए टूल आएंगे कि मैं फिर बता रहा हूँ, ये इलाइट से इसका कोई आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, इलाइट अलग था ही अलग था, इलाइट एक वायर से प्रोटोकॉल चलता था, उसका वायर बेस्ड डिवाइस था, ये एक VCI ब्लूटूथ बेस्ड डिवाइस है, तो अलग अलग चीज़ें हैं ये। आप ऐसा ना समझो कि इलाइट की जगह पर ये आ गया, वो अपनी जगह पर चल रहा ही है, अपनी जगह पर चल रहा है, ठीक है जी। PSMD अपनी जगह पे चल रहा था, XC70 अलग अपनी जगह पे चल रहा है, प्रो अपनी जगह पे चल रहा है, डीन एनर्जी अपनी जगह पे चल रहा है, ये तो जैसे मार्केट की नीड है उसी हिसाब से टूल पड़े हैं मार्केट में, ठीक है जी। करने वाले काम 20,000 की डोंगल से भी कर रहे हैं और करने वाले काम 3-4 लाख के डिवाइस से भी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी आफ्टर मार्केट का डिवाइस बदल लीजिए। चलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप ऐसे ही एक्चुअल को प्यार देते रहें, जिस डीलर से आपका प्रेम बना हुआ है, जिस डीलर से आपसे ट्रस्ट या पुराना लिंक है, उसकी ही टच में रहें, और मार्केट सारी ओपन है, आपको कोई भी डिवाइस चाहिए आप किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो एक्सट्रो का
ऑफिशियली कंपनी ने डीलर अनाउंस किया गया है, अपने पास भी एक्सपोर्ट की पूरी वैरायटी है जो हम डेली एक्सपोर्ट पे करते हैं सिर्फ, और इसके बाद कोई भी नई सीरीज आएगी वो आपको अपने ओरिजिनल चैनल पे एक्सपोर्ट इंडिया पे पहले ही नोटिफाई हो जाएगी, उसके बाद हम भी कोई ना कोई वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। बाकी इसके बाद और कोई कमेंट्स है भाई? कैमरा मैन कोई और कमेंट्स थे? नहीं, बस ये है कि अगर आपको कभी भी लग रहा है कि भाई ये डिवाइस जब आप पुरानी हिस्ट्री निकाल के देख लिया कीजिए कि आज कोई PSMD 2020 में बिका है, 21 में बिका, कोई आज भी उसका अपडेट लेना चाहे तो अपडेट अभी भी आ रहे हैं, अपडेट भी आ रहे हैं और अपडेट आप खरीद भी सकते हो। जो एक साल का अपडेट मिलता है, एक साल का अपडेट मतलब अगर आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए तो आप एक साल का ले सकते हो। तो कभी भी आप नेगेटिव कमेंट मत किया कीजिए, अभी हमारा क्या होगा, आप अपनी जगह पे काम कर रहे हो, नया डिवाइस होने की वो अपनी जगह पे करेंगे, सही है ना जी। बाकी ठीक है जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, देखते हैं नया डिवाइस क्या आता है, नया काम क्या चलता है। मार्केट थोड़ी सी अनस्टेबल है, मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत है, पर जो हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाते रहें। जय हिंद।